और जानलेवा वायरस के साए बरकरार हैं। एक दिन में मजीद 38 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 564 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 24,000 से बढ़ गई। खतरनाक वायरस बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 38 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इसके बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 564 हो चुकी है, जबकि मरीजों की तादाद 24,000 से तजावज कर चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में से सबसे ज्यादा 203 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सिंध में 157, पंजाब में 175, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 22 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान की बाजी हार गए। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतीना मराकज में मरीजों का इलाज जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1523 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 9,077, सिंध में 8,640, खैबर पख्तूनख्वा में 3712, बलूचिस्तान में 1495, गिलगित बल्तिस्तान में 388 और इस्लामाबाद में 521, जबकि आज़ाद कश्मीर में 76 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,44,778 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,196 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,464 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है।